हेलो दोस्तों, आज के वीडियोज में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है सो थंबनेल HD कैसे बना सकते हो, वो भी पिक्सल लैब यूज़ करके। जब मैं स्टार्टिंग किया था तो मेरे पास थंबनेल बनाता तो था मगर उतना अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं रहता था, HD क्वालिटी में नहीं रहता, फटा हुआ दिखता था। मैं वीडियो जब मैं पब्लिक कर देता था थंबनेल लगा कर, तो मैं अपने थंबनेल को सर्च करता था या अपने वीडियोज़ को सर्च करता था, तो उस टाइम में जो है सो मेरा थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं दिखता था, HD क्वालिटी में नहीं रहता था। तो विथ लैब प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि आप भी पिक्सल लैब में अच्छे तरीके से थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी अट्रैक्टिव, वो भी थंबनेल और बहुत ज्यादा जो है सो जितना आप अच्छा तरीके से थंबनेल बनाएंगे उस थंबनेल पे ज़्यादातर व्यूज आने की संभावना रहती है YouTube पर। तो आप विथ लैब प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, यदि Facebook पर देख रहे हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, मेरे पेज को जरूर फॉलो करना। तो विथ लैब प्रूफ के साथ चलता हूँ कि पिक्सल लैब का पूरा डिटेल्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने मोबाइल का स्क्रीन पर और एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूँ पिक्सल लैब को, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा पिक्सल लैब, मैं ऐसे ही पिक्सल ऐप को ओपन करता हूं। मैं अपने यहां पर ऐसा इंटरफेस खुलेंगे, इसको रिमूव कर देना है, न्यू टेस्ट को डिलीट कर देना है। जैसे ही डिलीट करूंगा उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करूंगा इमेज साइज पे सबसे पहले मेरे को क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक कर रहा है, मैं HD थंबनेल बनाना सिखा रहा हूं दोस्तों। 198 1920 इसका साइज होता है दोस्तों, और इसके बाद में फिर आता है 10, उसके बाद 80। अब ये हुआ HD थंबनेल बनाने की प्रोसेस। आपका HD थंबनेल कभी फटा नहीं दिखेगा, आप इतना साइज सेलेक्ट कर लेते हैं और आप उसके बाद में आप इसमें फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही फ़ोटो ऐड करेंगे फ्रॉम प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी खुल जाएगा दोस्तों। तो मैंने जो भी फ़ोटो इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया था इसी को मैं लगा देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद मैं डन कर देता हूँ। इस देखिए इसका बैकग्राउंड जो है सो मैं थोड़ा रेड कर दूँ या वाइट रहने देता हूँ इस डोले हुए फोटो को अच्छे शेप में ला देता हूँ। जैसे ही अच्छे शेप में ला दूँगा ये देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद में मेरे को क्या करना है, मैं लिख देता हूँ मैं अपना नाम लिख दूँ या थंबनेल बनाने के लिए मैं लिख देता हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो। इसके बाद में आपको कहाँ जाना है, आपको फॉन्ट साइज पे जाना है। जैसे ही फॉन्ट साइज पे क्लिक कर देता हूँ, इसमें फॉन्ट ऐड किया हूँ मैं, ये इसको ऐसे लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद में फिर आपको कुछ और लिखना है, हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। जैसे ही लिख देता हूँ फिर इसको ऐसे कर देता हूँ दोस्तों, इस फॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही फॉन्ट को यूज़ करूँगा ये ऐसा दिखेगा। उसके बाद में आपको बड़ा साइज कर देना है, बड़ा साइज कर देता हूँ। जैसे ही बड़ा साइज कर दूंगा इसको कलर जो है सो ज़्यादातर मनोज डे यूज़ करता है जो कलर, मैं उसी कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ऐसा कलर। उसके बाद में फिर आप रेड कलर दे सकते हैं, ये कलर हो गया। अब 2 कलर हो गए, अब इसका जो है सो आप स्ट्रोक कर सकते हैं, ये दिखेगा ब्लैक से साइड से आप ब्लैक दिखेंगे। उसके बाद में आप इसको भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे, मैं ज़्यादातर ये वाली यूज़ करता हूँ देखिए। और उसके बाद में आप जो है सो इस थंबनेल को आप 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट साइज कर सकते हैं। देखिए थंबनेल मेरा बन गया, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। आप इसको आप जैसे भी हो इस फोटो को आप जो है सो आप थंबनेल में लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने जो भी जानकारी दिया आप इसको एक्सपोर्ट साइज, यहाँ पर ये मेरी थंबनेल रही, मैं इस थंबनेल को जो है सो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो ये मेरा गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों।